राइड है एक नए लोकेशन पर। हम हैं पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में, और जैसा कि हर राजधानी शहर में होता है, यहाँ के आसपास के शहरों और राज्यों से लोग यहाँ आकर अपने आशियाने का सपना देखते हैं। चंडीगढ़ में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से लोग पहुँचते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि चंडीगढ़ में हर बजट के लिए कोई ना कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जरूर तैयार हो रहा है, और खास तौर पर चंडीगढ़ से जुड़े जो हाईवेज हैं उनके इर्द गिर्द काफी विकास हो रहा है। और ऐसा ही एक लोकेशन नया जो डेवलप हो रहा है वो है चंडीगढ़ से दिल्ली के हाईवे के किनारे डेराबस्सी का। चंडीगढ़ देश का सबसे पहला प्लान्ड शहर। 1950 के दशक में इस शहर की नींव रखी गई और अभी भी इस शहर को अर्बन प्लानिंग की मिसाल माना जाता है। यानी कि जब स्मार्ट सिटी के बारे में सोचा भी नहीं गया था, तब स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बोजियर ने चंडीगढ़ जैसा स्मार्ट शहर बसाया। चंडीगढ़ को डिजाइन करते वक्त आगे का सोचकर चौड़ी सड़कें बनाई ताकि गाड़ियों की तादाद बढ़ने पर भी शहर का खुलापन बरकरार रहे। शहर में रिहायशी इलाकों के साथ साथ पार्क और कमर्शियल एरिया से लेकर पार्किंग के लिए जगह प्लान की गई। रहने के लिहाज से आज चंडीगढ़ देश के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक है, जहां हर तरफ खुलापन और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आता है। अब चंडीगढ़ तेजी से फैल रहा है और उसके साथ सटे इसके बाहरी इलाके मोहाली, पंचकुला, जीरकपुर, मुल्लापुर और डेराबस्सी इसका हिस्सा बन रहे हैं। इन इलाकों में भी चंडीगढ़ की तर्ज पर ही प्लान डेवलपमेंट हो रहा है। इंडिया रियल एस्टेट गाइड आ पहुंचा है चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर डेराबस्सी में, जहां डेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है और ये घर बनाने और खरीदने वाले दोनों की पसंद बन रहे हैं। चंडीगढ़ से करीब 9-10 किलोमीटर आगे है ये डेराबस्सी का लोकेशन, जहां ATS मेगा टाउनशिप बना रही है। 300 एकड़ में फैला हुआ है ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप, और इसके फर्स्ट फेज की डिलीवरी की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। आने वाले 3 महीने में करीब 498 फ्लैट और 30 विला ATS डिलीवर करने वाली है। तो इस प्रोजेक्ट में और क्या खास है ये तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ATS के अभी तक के सफर पर डाल लेते हैं एक नजर। ATS पिछले 15 साल से रियल एस्टेट के कारोबार में है और इसका पूरा फोकस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन पर रहा है। नोएडा में अपने पहले प्रोजेक्ट ATS ग्रीन के साथ ही कंपनी सबकी नजरों में आ गई थी। इसके बाद ATS ग्रीन 2 तैयार हुआ और एक्सप्रेसवे पर ATS ग्रीन विलेज में शानदार कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के चलते कंपनी ने घर खरीदारों के बीच अपनी पक्की जगह बना ली। कंपनी के CMD गीतांबर आनंद अपने हर प्रोजेक्ट की क्वालिटी को लेकर काफी सीरियस रहते हैं और खुद छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि ATS अपने प्रोजेक्ट में बिल्डिंग के साथ साथ गार्डन, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस जैसी सुविधाओं का मेंटेनेंस भी खुद ही करता है। ATS अब तक 5000 से ज्यादा रेजिडेंशियल यूनिट्स डिलीवर कर चुका है और इस वक्त दर्जन भर से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिनमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव में बन रहे प्रोजेक्ट शामिल हैं। NCR के साथ साथ कंपनी अब दूसरे शहरों का भी रुख कर रही है, जिसमें देहरादून में प्लॉटेड डेवलपमेंट करने के बाद ATS चंडीगढ़ के डेराबस्सी में अपनी सबसे बड़ी टाउनशिप ATS गोल्फ मेडोज लाइफस्टाइल तैयार कर रही है। ATS गोल्फ मेडोज लाइफस्टाइल आप तक यही तीन चीजें पहुंचा रहा है अपने नाम के अनुसार। गोल्फ इस प्रोजेक्ट का सेंट्रल अट्रैक्शन है। 9 होल प्राइवेट गोल्फ कोर्स यहाँ कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, साथ ही में मेडोज यानी कि ये प्रोजेक्ट हरियाली से घिरा हुआ है और वादा कर रहा है कि आप तक केवल एक घर या फ्लैट नहीं बल्कि एक नई लाइफस्टाइल पहुंचाएगा। पचास एकड़ का 9 होल गोल्फ कोर्स ATS की इंटीग्रेटेड टाउनशिप की जान है। ATS के लिए अपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में ये पहला गोल्फ कोर्स है, साथ ही चंडीगढ़ के इलाके में भी रेजिडेंशियल फ्लैट के साथ एक प्राइवेट गोल्फ कोर्स पहली बार दिखेगा। इस टाउनशिप में एक स्कूल खुल चुका है, जल्द ही हॉस्पिटल और होटल भी बनाने की तैयारी चल रही है। 300 एकड़ में तैयार किए जा रहे इस टाउनशिप में ATS प्रिलूड नाम से 364 फ्लैट डिलीवर कर चुका है। क्लब हाउस, स्विमिंग पूल और गार्डन से लैस ATS प्रिलूड मेडोज लाइफस्टाइल का एक मिनी सैंपल है और ATS का वादा है कि जब 3 महीने बाद मेडोज लाइफस्टाइल का पहला फेज लॉन्च होगा तो वो इस इलाके में प्रीमियम प्रॉपर्टी बनेगा। लाइफस्टाइल मेडोज में 1300 फ्लैट, 29 विला और करीब 650 से ज्यादा प्लॉट के ऑप्शंस हैं।
ATS Golf Meadows में आपको हाई राइज अपार्टमेंट मिलेंगे. प्लॉट्स खरीद के आप अपने स्टाइल में घर बनवा सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि डेवलपर ही आपको घर बना के दे, तो ATS अपने इस इंटीग्रेटेड टाउनशिप में विलास की ऑप्शन आप ही के लिए लेकर आई है. तो चलिए एक नजर डालते हैं कि अगर आप विलास की लेजर लिविंग पसंद करते हैं तो किस तरह का एरिया ATS आपको दे रहा है अपने इस प्रोजेक्ट में. तो विला में मौजूद है दो साइज ऑप्शन. 350 स्क्वायर यार्ड का विला जिसमें 4 बेडरूम है, 500 स्क्वायर यार्ड का विला बड़ा है और इसमें 5 बेडरूम और 2 सर्वेंट रूम आपको मिलते हैं. लेकिन फिलहाल हम है 350 स्क्वायर यार्ड के इस विला में और इस तरह के 30 विला यहां पर तैयार हो रहे हैं. घुसते ही आपको ओपन एरिया मिलेगा. ये 66 फीट की लंबी सी जगह है जहां 3 कार अकोमोडेट की जा सकती है. यानी इसे स्पेशली पार्किंग के लिए रखा गया है. एकदम विला के अंदर आप पार्क कर सकते हैं अपनी कार. इसके बाद छोटा सा गार्डन आता है. ये आपके घर के सामने वाला पोर्शन है जिसमें इस गार्डन को दिया गया है. अब हरियाली पसंद है, गार्डनिंग का शौक है, उन लोगों के लिए ये एक अच्छी जगह हो सकती है. सुबह के वक्त चाय पीने के लिए अच्छी जगह हो सकती है. शाम की चाय भी आप यहाँ पी सकते हैं जब मौसम अच्छा हो. लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ कि अंदर क्या है. ये तो घर का बाहरी एरिया हुआ, तो विला के अंदर चलते हैं. दो फ्लोर्स के विला हैं और हम हैं इसके ग्राउंड लेवल पर. विला में एंट्री के साथ ही लिविंग रूम से आपकी मुलाकात होगी. 24x13 फुट का ये एक बड़ा ग्रैंड लिविंग रूम है इस विला का. आपको जो इटालियन फ्लोरिंग इस यहाँ पर नजर आ रही है, ये पूरे घर में आपको बिल्डर की तरफ से ही मिलने वाली है. साइज में ये लिविंग रूम काफी बड़ा है. यहाँ हम देख रहे हैं दो एरियाज में इसे स्प्लिट किया गया है. अब ये आपकी पसंद पर है कि आप अपने लिविंग रूम को कैसे रखना चाहते हैं. लेकिन एक बात जो मेरा ध्यान खींच रही है वो है इस लिविंग रूम के बड़े बड़े विंडोज. 5 विंडो मुझे नजर आ रहे हैं क्योंकि ATS इस थीम पर काम कर रहा है कि उसके हर अपार्टमेंट या विला में भरपूर सनलाइट आए और भरपूर हवा आए. इसलिए बड़े बड़े विंडोज हैं, काफी सनलाइट के घर में आने की गुंजाइश यहाँ पर नजर आ रही है. लेकिन इसी थीम को मद्देनजर रखते हुए लिविंग रूम के बाद हम निकलकर पहुंच जाते हैं इस घर के कोर्टयार्ड में. और इस कोर्टयार्ड की सीलिंग जो है ओपन टू स्काई है. यानी यहां से भी सनलाइट आने की पूरी गुंजाइश यहां पर रखी गई है. इस कोर्टयार्ड का एरिया 13x10 फुट है और मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि ये लिविंग रूम से कहीं भी ओवरलैप नहीं कर रहा है. तो ये जो 13x10 का एरिया है ये इसका इंडिपेंडेंट एरिया है. अब इसका इस्तेमाल आप अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं. सनलाइट यहाँ आ रही है, बारिश के मौसम में जब ऊपर पानी की बूंदे पड़ेंगी वो भी यहाँ पर पड़ेंगी. तो ये काफी एक ओपन एरिया घर के बीचों बीच आपको मिल रहा है. ये है कोर्टयार्ड 13x10 फुट का. विला के ग्राउंड फ्लोर में आपको एक 4x4 का एरिया दिया गया है जिसका इस्तेमाल आप लिफ्ट के लिए कर सकते हैं. और इस घर में हमें नजर आ रहा है कि ये लिफ्ट है यहाँ पर. लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि अगर आप लिफ्ट नहीं चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल, इस स्पेस का इस्तेमाल जिस तरह से चाहे एक छोटा से पूजा रूम की तरह या स्टोर रूम की तरह कर सकते हैं. लेकिन 4x4 का ये स्पेस खासतौर पर लिफ्ट के लिए है. लेकिन लिफ्ट आपको बिल्डर बनाकर नहीं देगा, ये आपको एडिशनल खर्चा करना होगा लिफ्ट बनाने के लिए. लिफ्ट के अलावा एक छोटा सा गेस्ट बाथरूम भी इस लोअर फ्लोर में नजर आएगा. गेस्ट रूम के अलावा ये है घर की सेकेंड एंट्री. एक हमने मेन एंट्री देखी और ये है घर की सेकेंड एंट्री. घर वालों के लिए अगर आप चाहते हैं कि कोई इस एंट्री से आए तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है. सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं, ऊपर हम थोड़ी देर में जाएंगे. उससे पहले आपको दिखाते हैं इस घर का किचन. 13x11 फुट का ये किचन आपको मिलेगा जिसमें मॉड्यूलर वुडन कैबिनेट और स्लैब आपको बिल्डर ही प्रोवाइड करेगा. लेकिन इस किचन में जहां हम खड़े हैं देख रहे हैं कि एक वुडन कबर्ड रखा गया है. ये जो घर के ओनर हैं उन्होंने अपनी तरफ से ये वुडन कैबिनेट रखा है. लेकिन इस वुडन कैबिनेट के रखने के बाद भी इसमें जो स्पेस है उससे आइडिया आप लगा सकते हैं कि काफी स्पेस है किचन में. किचन जुड़ा हुआ है घर के यूटिलिटी स्पेस से. यूटिलिटी स्पेस का इस्तेमाल लोग अक्सर वॉशिंग मशीन रखने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए करते हैं. वॉशिंग मशीन रखने के लिए ये यूटिलिटी स्पेस है. और यूटिलिटी स्पेस के साथ सर्वेंट रूम की एंट्री घर से इस किचन डोर में हो सकती है. और वो सेपरेट एंट्री है बाहर जाने के लिए भी, लेकिन घर में आने के लिए किचन के जरिए ये एंट्री हो सकती है. हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक यहीं पर. लेकिन ब्रेक के बाद अभी इस विला के 4 बेडरूम का जायजा लेना बाकी है. तो हम आपको दिखाने वाले हैं कि इस 350 स्क्वायर यार्ड विला में और क्या कुछ खास है.
वेलकम बैक। इंडिया रियल एस्टेट गाइड है चंडीगढ़ के करीब डेराबस्सी में, जहां एटीएस तैयार कर रहा है एक बड़ी सी टाउनशिप। 300 एकड़ में फैली है ये टाउनशिप और वादा ये है कि ये आपकी लाइफस्टाइल को बदलेगा। नाम है एटीएस मेडोज लाइफस्टाइल और इनके कंटेम्प्रेरी विलास का जायजा हम आपको दे रहे हैं। 350 स्क्वायर यार्ड में फैला है ये विला, जिसमें 4 बेडरूम है। घर का आधा हिस्सा दिखा चुके हैं। अब इस विला के ग्राउंड फ्लोर पर इसका पहला मास्टर बेडरूम है और इसका साइज है 18x13 फुट। जी हाँ, हम अपार्टमेंट्स देखते हैं जिनके साइज होते हैं 10x11 और बहुत बड़ा दे दिया तो 13x13, 13x15 के, लेकिन 18x13 का ये मास्टर बेडरूम वाकई में मास्टर बेडरूम कहलाने लायक है, क्योंकि इस बेडरूम में हम देख रहे हैं फर्नीचर रखा हुआ है। एक किंग साइज बेड है यहाँ पर, वुडन पैनल इन्होंने लगाए हुए हैं, एक छोटा सा ड्रेसर रखा हुआ है और इसके इन सब सामान को रखने के बाद भी आपको यहाँ काफी स्पेस नजर आ रहा है। बड़े बड़े विंडोज हैं क्योंकि थीम है इनका कि वेल वेंटिलेटेड वेल लिट घर बनाना है, तो फ्रेंड्स विंडोज इस बेडरूम में दिए गए हैं। इसका ड्रेसिंग एरिया अलग से है, यानी आपको कवर्ड रूम में नहीं बनाने की जरूरत है, एक अलग से ड्रेसिंग एरिया दिया गया है 5x7.5 फुट का, और बाथरूम का एरिया है मास्टर बेडरूम के 6x6। तो 6x6 का बाथरूम इतने बड़े बेडरूम के लिए आपको छोटा लग सकता है, क्योंकि बेडरूम का साइज अगर 18x13 है तो बाथरूम आपको छोटा जरूर लग सकता है, लेकिन ये 18x13 का सिर्फ एक बेडरूम है इस घर का। इस विला में 3 और बेडरूम मौजूद हैं ऊपर वाले लेवल में। चलिए ऊपर चलते हैं। विला के इस ऊपरी लेवल में 3 बेडरूम और एक फैमिली रूम दिया गया है, और एक तरह से ऊपर वाले बेडरूम को देख के मुझे ये लग रहा है कि ये इस घर का दूसरा मास्टर बेडरूम है। इसका एरिया है 22x22.5 फुट और हम देख सकते हैं 2 बड़े बड़े विंडोज दिए गए हैं, बालकनी से जुड़ा हुआ है और बालकनी से जोड़ने के लिए भी जिस तरह के डोर का इस्तेमाल किया गया है उसमें ग्लास लगा हुआ है। मास्टर बेडरूम में एक ड्रेसर अलग से दिया गया है इसमें, ताकि कबर्ड घर के अंदर इनक्रोच नहीं करे। 8x7 का ड्रेसिंग एरिया यहाँ पर आपको नजर आएगा और ड्रेसिंग एरिया के करीब ही यहाँ पर आपको एक वॉशरूम है 8x7 का। इस मास्टर बेडरूम में इटालियन मार्बल फ्लोरिंग है, वुडन फ्लोरिंग नहीं है। नीचे वाले मास्टर बेडरूम में हमने वुडन फ्लोरिंग देखी थी। तो ये इस घर का दूसरा बेडरूम, इसके अलावा 2 और बेडरूम। ऊपर के इस लेवल में 2 और छोटे बेडरूम दिए गए हैं। ये बेडरूम बाकी के 2 बेडरूम से साइज के मामले में काफी छोटे दिखते हैं। ये है इस घर का तीसरा बेडरूम, 13x11 फुट का ये बेडरूम है। वुडन फ्लोरिंग इसमें आपको बिल्डर जरूर देगा, लेकिन इस कमरे के लिए एक सेपरेट ड्रेसिंग एरिया जो हमें हर कमरे में नजर आया वो नहीं है। इसमें आपको कबर्ड फिट करवाने होंगे, कबर्ड के लिए जगह दी जाएगी, लेकिन ये कमरा एक बालकनी से जुड़ा हुआ है, बड़ी विंडो दी गई है रोशनी के लिए और ये जुड़ा हुआ है एक बालकनी के साथ। 13x11 का ये है तीसरा बेडरूम और अब हम बढ़ते हैं चौथे बेडरूम की तरफ। ये बेडरूम इसके ठीक सामने है और उसका साइज है 12x14 फुट। वुडन फ्लोरिंग के साथ ये बेडरूम आपको मिलेगा। इसमें छोटा सा ड्रेसिंग एरिया के लिए स्पेस भी एलोकेट किया गया है। ड्रेसिंग एरिया के लिए 5x6.5 फुट की जगह दी गई है, लेकिन कमरे का साइज 12x14 है। बालकनी से ये कमरा भी जुड़ा हुआ है और ऊपरी लेवल पर 3 बेडरूम के अलावा एक और इंटरेस्टिंग स्पेस दिया गया है। 13x13 फुट की ये जगह फैमिली लाउंज के नाम पर इसे लेबल किया गया है। अब आप इसका इस्तेमाल एज लाइब्रेरी कीजिए, टीवी रूम की तरह कीजिए, लेकिन 13x13 फुट का ये है फैमिली लाउंज का एक कॉमन एरिया इस ऊपर के फ्लोर में बेडरूम्स के अलावा जो आपको मिलेगा यहाँ पर। तो ये है एटीएस का 4 बेडरूम वाला 350 स्क्वायर यार्ड में फैला विला। 350 स्क्वायर यार्ड के एरिया में फैले इस विला की कीमत है 1,73,00,000 रुपए। 2011 में जब एटीएस ने विलाज इंट्रोड्यूस किए थे इस इंटीग्रेटेड टाउनशिप में, जिसकी कीमत थी
1 करोड़ रुपए, जो कि बढ़कर अब हो गई है 1,73,00,000 रुपए। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखें कि इस प्राइस के अलावा आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज और सर्विस टैक्स का भुगतान अलग से करना होगा। तो ये है विला की कीमत। लेकिन पंजाब के लोगों को विला में रहना अच्छा लग रहा है या अपार्टमेंट में? विला वर्सेस अपार्टमेंट, इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ IREG में आगे होंगे ATS के CMG गीतांबर आनंद। वेलकम बैक। इंडिया रियल एस्टेट गाइड है चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ से जो हाईवे दिल्ली की तरफ जाता है, यहाँ पर एक लोकेशन है डेराबस्सी। और ये इलाका शायद पहले इतना जाना नहीं जाता था, लेकिन अब यहाँ रियल एस्टेट के जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये इस जगह को नई पहचान दे रहे हैं। उसमें से एक प्रोजेक्ट है ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप ATS जो बना रहा है, और मेरे साथ हैं ATS के CMG गीतांबर आनंद। गीतांबर जी, हमने आपके विलास देखे, बहुत स्पेशियस है, लाइट आ रही है, वेंटिलेटेड है, सब कुछ है, लेकिन मुझे ये बताइए, अपार्टमेंट और विला, इन दोनों को अगर साथ में रखा जाए तो किसे बेहतर डिमांड आप देखते हैं किसकी बाजार में? ऐसी मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, पंजाब में जो हमारे सिंह लोग हैं, वो कल्चर यहाँ पे है कि मेरा अपना मकान होना चाहिए, अपनी जमीन होनी चाहिए। अब नेचुरली अगर ऐसी प्रोडक्ट देंगे मार्केट में, उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन मार्केट के पास सारी ऑडियंस है, जिसका बजट ज्यादा भी होता है, कम भी होता है। डेफिनेटली इस चीज की डिमांड ज्यादा है, प्लॉटेड डेवलपमेंट की डिमांड ज्यादा है। लेकिन अब जो नई जनरेशन है, एक तो उनकी बजट के लिए अपार्टमेंट्स बिल्कुल फिट बैठते हैं, दूसरा एक गेटेड कम्युनिटी में जहां पे हाई राइज है, उनको एक कंफर्ट सा आता है, जहां खूब फैमिलीज हो, काफी डेंस पॉपुलेशन हो, तो दोनों ऑडियंसेस हैं यहाँ पे, इसलिए हमने इस इंटीग्रेटेड टाउनशिप में दोनों प्रोडक्ट्स दिए। बिल्कुल, गोल्फ मेडोज में मैं देख रही हूँ आप अब अगले 3 महीने में 498 फ्लैट भी देने वाले हैं, विलास तैयार हैं आपके करीब 29 से 30 विलास तैयार हैं, प्लॉट्स भी हैं। ये मिक्स क्यों रखा आपने, क्योंकि आप हर तरह के कंज्यूमर को अपनी ओर खींचना चाहते थे? एब्सोल्युटली, पंजाब की मार्केट बहुत ही, दिल्ली की मार्केट NCR की मार्केट से बहुत फर्क है। अगर NCR में हम प्लॉटेड डेवलपमेंट लॉन्च करते तो शायद उसके इतने टेकर्स नहीं होते, विलास के इतने नहीं होते। यहाँ पे एक कल्चर है हाई राइज का, जो कल्चर है वो नया है, इसलिए अगर हम विलास ना बनाएं तो आप मानिए कि एक बहुत बड़ा अपना जो कस्टमर बेस है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। उनके लिए ऐसी डेवलपमेंट जो गेटेड भी है, उनमें मकान का भी मजा है, लेकिन ये है जरूर कि आप इस मकान को जितना आपको मिला इतना ही रहेगा, इसके ऊपर आप नहीं बना सकते। ये एक लिमिटेशन है विच दे हैव टू लिव बाय, दे हैव टू अंडरस्टैंड इट, कि एक कम्युनिटी में, एक कॉम्प्लेक्स में एक सिमिट्री डिजाइन की होनी बहुत जरूरी है। लेकिन आनंद जी, इस एरिया में एक प्राइस स्टैग्नेशन हमने देखा है, आपने भी जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और अभी तक में बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं देखा है, एक 2500-3000 के बीच में एक स्टकअप है प्राइस, इसका नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है? जरूर, क्योंकि देखिए ये सारे जो प्रोजेक्ट हम करते हैं, हम लोन लेते हैं इसके लिए, तो एक कॉस्ट है उस पर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, एक फाइनेंस कॉस्ट है, इस सब को मद्देनजर रखते हुए वी डू नीड एक प्राइस का अप्रिसिएशन होना जरूरी भी है। हाँ, हम आज इस वजह से थोड़ा सा सफर कर रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस क्वालिटी की डेवलपमेंट हमने दी, जरूर इसकी डिमांड एकदम से बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त पंजाब की पूरी मार्केट, रियल एस्टेट की मार्केट थोड़ी सी मायूस है, थोड़ी उदास है, लोग अभी खरीदारी नहीं कर रहे इतने अग्रेसिवली जितना एक साल पहले कर रहे थे। मेरा ये विश्वास है कि ये देख के क्वालिटी डेवलपमेंट की, ये गोल्फ कोर्स देख के, ये स्कूल देख के, ये कमर्शियल डेवलपमेंट जो हम करने जा रहे हैं वो देख के, यहाँ पे डिमांड आएगी और प्राइस की अप्रिसिएशन जरूर होगी। क्योंकि आप क्रेडाइट नेशनल के प्रेसिडेंट हैं, इसीलिए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, हमने डेराबस्सी में प्राइस स्टैग्नेशन की बात की, लेकिन पूरे देश में ही रियल एस्टेट के सेंटिमेंट को काफी असर पड़ा है, प्रोजेक्ट बहुत डिलेड चल रहे हैं, इस वजह से फंडिंग को लेकर के आप लोग कहते रहे, हमेशा आवाज उठाते रहे, अभी अगर बात करें मौजूदा स्थिति में तो आप रियल एस्टेट में क्या देख रहे हैं? देखिए प्रियंका, रियल एस्टेट में एक डॉक्यूमेंटेड शॉर्टेज है। अब वो शॉर्टेज जो है वो आपके अपर सेगमेंट में कम है, और जैसे जैसे हम पिरामिड नीचे जाते हैं, EWS, LIG, MIG, इसमें ज्यादा शॉर्टेज है। तो क्योंकि ये शॉर्टेज है, इसलिए रेजिडेंशियल की डिमांड हमेशा रहेगी। इस ये जो दौर जिसको हम देख रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आप मानिए कुछ मूड पूरे भारत का ऐसा है रियल एस्टेट के प्रति कि वो कह रहे हैं कि अभी खरीदना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं कि वॉल्यूम्स आएंगे, सेल्स होंगी,
लेकिन प्राइस अप्रिसिएशन शायद इतनी ना हो। लेकिन अभी खरीदार गायब हैं क्या मालूम? नहीं, खरीदार फेंस सिटर्स मानेंगे हम उनको। वो दो वजह हैं जो कि खरीदार आगे सामने नहीं आ रहे। सबसे पहली वजह यह है कि बार बार उनको ये लगता है शायद होम लोन अभी और कम होंगे। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी बहुत है अवेलेबल, अच्छे दाम पे अवेलेबल है, लेकिन होम लोन अब जैसे हम सोच रहे थे कि शायद इस वक्त आधे परसेंट का कट मिलेगा, एफएम साहब ने बोला है सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को कि दर घटाइए, तो जो आज होम लोन लेने वाला कस्टमर है वो कहता है मैं दो महीने और वेट कर लेता हूं, हो सकता है कि आधा परसेंट और कम हो जाए। तो इसलिए मुझे लगता है दिवाली के आसपास आपकी मार्केट वॉल्यूम्स फिर शुरू हो जाएंगे, एकदम से नहीं, लेकिन जो फैंस सिटर्स है वो कन्वर्जन शुरू कर देंगे। तो आप भी एक तरह से डिमांड कर रहे हैं रेट कट की, जैसे हर इंडस्ट्री कर रही है, रेट कट चाहिए और 100% चाहिए रेट कट। और हमारे हाउसिंग लोन अगर 8% पे आ जाए, जो कि आप इंटरनेशनली देखिए हाउसिंग लोन रेट्स तो 2% 3% है लंदन में अमेरिका में, तो अगर हम 8% पे आ जाए तो आप देखिएगा ये मार्केट कितना बढ़िया करेगी, इट परफॉर्म वेरी वेल। और जो डेवलपर डिलीवर कर रहे हैं, जो एक अच्छा प्रोडक्ट एक अच्छे प्राइस पे डिलीवर कर रहे हैं, उनको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सो चलते चलते डेराबस्सी पे क्योंकि हम हैं, यहाँ पर आपको चिंता हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, ये एक हम बिजनेसमैन हैं, हम विजनरीज हैं, हमको एक डेस्टिनेशन पसंद आती है तो उस पर हम अपनी विजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें बहुत परिश्रम होता है, बहुत रिस्क होता है, लेकिन वो रिस्क लेने के बाद इतना कुछ काम करने के बाद अब मुझे कोई डर नहीं है। मैं जानता हूं कि यहां पे लोग आएंगे, जरूर आएंगे, आज नहीं तो आज से एक साल बाद। ये अपने आप में चंडीगढ़ की एक सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन बनेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए गीतांबर आनंद जी। तो एक प्राइम डेस्टिनेशन के साथ गीतांबर आनंद ने एटीएस का ये गोल्फ मेडोज लाइफस्टाइल क्रिएट किया है, जिसमें वादा है कि वो केवल घर नहीं बल्कि आपको देंगे एक नई लाइफस्टाइल भी। तो आईआरईजी में मुझे यही इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे एक नए डेस्टिनेशन में एक नए प्रोजेक्ट के पर।